अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का नंबर वन ट्रेंडिंग ड्रामा बना हुआ है तेरे बिन, तो सब लोगों को इंतज़ार है इसके नेक्स्ट एपिसोड में तो क्या होगा। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में यार ये होगा कि मीरब अपना घर छोड़ के कराची को निकल जाती है, तो ये बात किसी को नहीं पता होती, सिर्फ और सिर्फ जो है ना बाहर जो बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको पता होती है। और जब मुतसिम घर आता है तो कमरे में जाता है तो देखता है कि मीरब नहीं है, तो इतने में ही आया आती है भागते भागते मुतसिम के पास मीरब की अंगूठी लेकर। तो ये सीन चल ही रहा होता है तो बख्तू आता है मुतसिम के पास और बताता है कि मीरब बीबी अपना घर छोड़ के चली गई हैं। तो उसके बाद यार ये होता है कि माँ बेगम वकास को फ़ोन करती है और पूछती है कि मीरब वहाँ तो नहीं आई। तो वकास दौड़ता दौड़ता माँ बेगम के पास आता है और पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो यहाँ पर फिर उसे अपनी जो है ना बेटी की सच्चाई का पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आके वो अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है माँ बेगम के साथ। खैर इतने में ही मुतसिम बाहर चला जाता है और इससे माँ रुकती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, और मुतसिम बोलता है कि मैं अपनी जो है बीवी को ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद मुतसिम सीधा अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसे इस वाक़े का सारा बताता है और अपने दोस्त इंस्पेक्टर को बोलता है कि मीरो को हर जगह तलाश किया जाए। और उसके बाद पिछली एपिसोड में दिखाया गया है कि मीरे के पास किराए के पैसे नहीं होते और वो अपनी चैन देकर कैलेंडर को बहुत ही मुश्किल से कराची पहुंच गया। तो जब ये कैलेंडर चैन बेचने जाता है तो इसे बेचते हुए मुतसिम इसे देख लेता है इस चैन को। और इधर से नौरेस की माँ को भी सच्चाई का पता चल जाता है मरियम की। और इसके अलावा मुतसिम पुलिस की मदद के साथ मीरब को ढूंढ निकालता है और उसे अपने घर में ले आता है। और इसके बाद जो अभी हया की शामत आने वाली है तो वो आप लोग खुद देख सकते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।